सर्दी के मौसम में बनाएं गर्मा गर्म मंचूरियन। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें यूज़ होती हैं बहुत सारी सब्जियां। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। मंचूरियन बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले हम बोल में लेंगे एक मीडियम साइज़ की ग्रेट की हुई कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। फिर हम लेंगे स्प्रिंग अनियन यानी हरे प्याज का ऊपर वाला वाइट पार्ट, बिल्कुल बारीक कटी हुई बीन्स, ग्रेट की हुई गाजर यानी कि कैरेट, और लेंगे हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जियों ने ये पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे निचोड़ लेंगे अच्छे से। इसमें नमक लगा के रखने का फ़ायदा ये है कि सारा पानी इसमें से निकल जाएगा और हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा कम यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये पानी इसी में रहेगा तो हम ज़्यादा कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे जो खाने में टेस्टी नहीं लगता। ये देखिए सब्जियाँ सारी मैंने निचोड़ ली हैं, एकदम सूखी सब्जियाँ ये हो गई हैं। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा। इससे हमारी मंचूरियन बॉल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। थोड़ा सा डाल देंगे नमक और थोड़ी सी डालेंगे काले मिर्च। आधा चम्मच डालेंगे शेजवान चटनी, इससे ये थोड़े स्पाइसी भी हो जाएंगे और हमें अलग से अदरक और लहसुन भी नहीं डालना पड़ेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं है तो हमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करना पड़ा। इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे हम, और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे हाथ से, इस तरीके से अच्छे से राउंड करके। देखिए मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरे चैनल पर मिलेंगी आपको हर तरह की शॉर्ट्स, वीडियोस और रिव्यूज़। चलिए हम चलते हैं मंचूरियन की तरफ। कढ़ाई में लेंगे ऑयल, उसे हम मीडियम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे और ना ही ज़्यादा ठंडा रखेंगे। इसमें हम ये बॉल्स डाल देंगे और फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बॉल्स ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए बॉल्स हमारी फ्राई हो गई हैं, इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। इसे हमेशा एक छन्नी में ही निकालें ताकि ये क्रिस्पी बने रहें। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बॉल्स बने हैं। अब उसी कढ़ाई में हम ऑयल कम कर लेंगे, 1 चम्मच ऑयल छोड़ देंगे। उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक, 3 से 4 हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम हाई फ्लेम पर ही सौते करेंगे। गार्लिक का टेस्ट मंचूरियन में बहुत अच्छा लगता है। अब हम लेंगे प्याज जो मैंने इस तरीके से मोटे मोटे काट के रखे हैं, और डालेंगे हम शिमला मिर्च। आप चाहें तो और भी कोई सब्जी आपको पसंद हो तो वो डाल सकते हैं, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, जो सब्जी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, ये देखिए इस तरीके से। फ्लेम हम अभी स्लो कर देते हैं। 1 चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस, और 1 चम्मच भर के हम डालेंगे शेजवान चटनी, 1 चम्मच सिरका यानी कि विनेगर, और 1 चम्मच डालेंगे हम टमाटो केचप। इन सॉसेस को भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और लेंगे आधा गिलास पानी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहें इसमें, और वो हम इसमें डाल देंगे हाई फ्लेम करके, और इसे चलाते रहेंगे अच्छे से ताकि कोई लम्स ना बने और ये नीचे से लगे बिना। ये देखिए सॉस हमारी बन गई है। इसमें मैंने 1 कटोरी पानी और डाल दिया क्योंकि मैं ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रही हूँ। अगर आप ड्राई बना रहे हैं तो पानी कम ही डालें। आधा चम्मच डालेंगे नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और अजीनोमोटो जो ऑप्शनल है। अब हम डाल देंगे फ्राई की हुई बॉल्स इसके अंदर। ये देखिए बॉल्स आप तभी डालें ग्रेवी में जब आपको इसे सर्व करना हो। एक टिप और है, इसमें डालें थोड़ा सा चुकंदर काट के यानी कि बीटरूट, इससे कलर इसका बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी। इसके ऊपर डाल दें हरा प्याज कटा हुआ और अच्छे से मिक्स कर दें। मंचूरियन हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे नूडल्स के साथ, फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। नूडल और राइस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।